बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम अनस मोइन एंड आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स इन अलाइड स्कूल हरुणाबाद कैंपस। तो समर पैक में आपने यूनिट नंबर 1, 2, 4 तमाम जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग। आज हम यूनिट 4 से आगे यूनिट नंबर 5 यानी इंटीजर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटीजर्स में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैथ फ्लैश दिया गया है। मैथ फ्लैश में वो कह रहा है कि ओनली वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इन सब में से एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कैन यू फाइंड इट, जिसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है, ज़ीरो इज़ आ नेचुरल नंबर, कि ज़ीरो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ज़ीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। सेकेंड स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट ऑफ होल नंबर्स ऑलवेज गिव अ होल नंबर, अगर हम किसी भी होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी होल नंबर से तो आंसर होल नंबर ही आता है। तो वो गलत बात कह रहा है, यहाँ पे हम एक 5 होल नंबर ले रहे हैं और एक 2 होल नंबर ले रहे हैं। अगर हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 3 आता है, यहाँ पे तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम 2 में से 5 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास -3 आएगा, जो कि गलत है। -3 होल नंबर नहीं है, -3 एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन उसने यहाँ पे कहा हुआ है ऑलवेज़, हमेशा जो है वो होल नंबर आता है, हमेशा होल नंबर नहीं आता, समटाइम्स होल नंबर आता है और समटाइम्स इंटीजर वैल्यू आती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ होल नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ज़ीरो, जब हम ज़ीरो में से किसी भी होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डज़ नॉट गिव अ होल नंबर, वो एक होल नंबर आंसर में नहीं देता। तो यहाँ पे ये बात ट्रू है, अगर हम ज़ीरो में से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो ज़ीरो माइनस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आंसर में -4 ही आएगा क्योंकि हम बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। तो आंसर में -4 आया, तो -4 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पे वो भी यही कह रहा है कि डज़ नॉट गिव अ होल नंबर, के इनको सॉल्व करने से आंसर होल नंबर नहीं आएगा, तो वो ठीक बात कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, 7 -5 -2 एंड 7 -5 -2, मतलब यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी गई है, डू नॉट गिव द सेम रिज़ल्ट। एक्चुअली इस स्टेटमेंट में भी उसने ठीक बात कही है कि अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो आंसर हमारा सेम नहीं आता। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7 -5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। जबकि अगर हम दूसरी साइड सॉल्व करते हैं, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और -2 पहले से मौजूद था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने से हमारा आंसर 4 एंड 0 आया, जो कि सेम नहीं है, जैसा कि उसने स्टेटमेंट में बोला, Do not give the same result. तो यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि only one of these statement is correct. I think यहाँ पे mistake हो गई है, यहाँ पे दो statements जो हैं वो correct हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास next आ जाता है integer की define है। Integers basically क्या होते हैं, वो कहते हैं कि integers are an infinite series of numbers. नंबर्स की एक इनफाइनाइट यानी ना ख़त्म होने वाली सीरीज़ है जिसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, यानी प्लस वाली वैल्यूज़ भी मौजूद होती हैं और माइनस वाली वैल्यूज़ भी मौजूद होती हैं। तो आज का पहला लेक्चर इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, आप घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।